गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी हफ्तों के बाद शायद मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। सो आज आसमान में अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रुकैया व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग अपलोड इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि कशिश के बोर्ड्स के पेपर है, अभी होने जा रहे हैं। अभी टाइम है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी बच्चों का अगर ध्यान ना दो तो वो पढ़ते भी नहीं हैं। तो अभी गई है कशिश ट्यूशन, मैंने उसको ट्यूशन लगा दिया है। और हाँ, मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी लेकिन मैं शॉर्ट्स हर रोज़ अपलोड करती हूँ। शॉर्ट्स अगर आप लोगों ने देखा होगा और इंस्टाग्राम पर मैं हमें, और जी मैं सोच रही थी कि चलो एक्टिव नहीं रही ना, तो मैंने बहुत सारे ड्रेसेस बनाई हैं, वो ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दो हफ्ते पहले मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई थी, आज मैंने स्पा किया है, घर पे ही किया है। आपको तो पता है कि कितनी महंगी हो गई है ये सारी सर्विसेस। कशिश ट्यूशन से आ गई है और ये देखो चेंज करने के लिए उसने टॉप लगा रखा है। हम लोगों ने खा लिया, अभी तुम्हारे लिए रखा हुआ है। आप लोग काफी हफ्तों के बाद नवाज को देख रहे हैं, बताइए नवाज लंबा हुआ है कि नहीं हुआ, बड़ा हुआ है? लेकिन बिल्कुल कौवे की जैसा हो गया है ना नवाज। कौवा देखिए कार्ड्स खेल रहा है, पता नहीं कहाँ से। ये क्या तुम परचेज किया था, खरीदा था? है खरीदा था कहाँ से? यही करते रहना तुम। मैं अरिथमेटिक वाले राउंड में नवाज का हुआ था सिलेक्शन, लेकिन गलती से क्या हुआ, हम लोगों ने उसका स्लिप सबमिट ही नहीं किया। उस दिन वो बीमार हो गया था तो हम लोग सबमिट नहीं कर पाए और उसके वजह से छूट गया बेचारे का, राउंड टू भी जा नहीं पाएगा। लेकिन मैं कप लेके आई थी कुछ दिनों पहले था ना, एक ये मग मैंने आपको दिखाया था, ये मग टूट गया, एक ये वाला कप लेके आई थी मैं। अभी मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने वाली हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नीचे। अच्छा नवाज जाएगा नीचे, चलो नवाज। आपको एक डॉगी है, डॉगी बहुत परेशान कर रहा है हम लोगों को, जो घर के आगे जो मिट्टी है ना, मिट्टी को बिल्कुल खोद खोद के परेशान करके हम लोग साफ सफाई करते झाड़ू लगाते हैं और वो बहुत बर्बाद कर रखा है। मैं आपको वो भाग्य हर रोज वहाँ पे बैठा रहता है और पूरे मिट्टी खोद के ना ऊपर गंदगी में जा जाता है। ये मिट्टी यहाँ पर बैठता है और ये देखो मिट्टी का क्या हाल किया उसने। सो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला जो ड्रेस है मैंने कल स्टिच किया है, ये इसमें कुछ करना नहीं था, ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई थी और ये नेक भी बना हुआ था, बाकी मैंने इसको स्टिच किया है। ये इस तरह से वी है और इधर बोट नेक है, बहुत ही बड़ा शोल्डर तो है ही नहीं इसमें, शोल्डर बिल्कुल जीरो शोल्डर रखा है। और स्लीव्स ये देखिए, इस तरह से स्लीव्स एम्ब्रॉयडरी और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और इसके एम्ब्रॉयडरी है ना इस तरह, जो थोड़े से मोटे और थोड़े से चबी टाइप होते हैं ना, उनको अगर एल शेप वाले, इस तरह के एल शेप वाले कपड़े पहने तो थोड़े से पतले लगते हैं, स्लिम ना हुआ कैसा लग रहा था। इसके साइड में आपको दिखा रही हूँ पिक जो मैंने इंस्टाग्राम के लिए शूट किया था और शॉर्ट पे बनाया था, वो देख लेना। और इसके साथ इंटरेस्टिंग, इसका दुपट्टा काफी साल पहले ये चले थे ना, मल्टी कलर वाले, मल्टी कलर नहीं मतलब इस तरह के टाई एंड डाई वाले, ये अच्छा लग रहा है। और पैंट इसके साथ में व्हाइट कलर का जो पैंट है वही वेयर करती हूँ। ये भी मैंने, ये जो पिंक वाली है ना, इस पिंक वाले के साथ ये भी लेके आई थी सेम। और इसमें भी कुछ नहीं किया हुआ था, बस ये पट्टी लगी हुई थी, अलग से पट्टी दी हुई थी और स्लीव्स के लिए पट्टी था। और मैंने इसका सिर्फ गला बनाया है और लॉन्ग, क्योंकि ये प्योर कॉटन है और पहनने में बहुत ही कूल सा इफेक्ट आता है, तो मैंने ये वाला ले लिया था। इसकी शलवार जो मैंने ब्लैक बनाई है, और ये देखिए इसके चाक मैंने इस तरह से, क्योंकि इसमें ऑफ व्हाइट कलर है ना, इसको मैच करते हुए इसके साइड में ये चाक दे दिया है। तो ये कुर्ती आपको कैसा लगा आप मुझे बताना। वैसे मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, आप लोगों को किस किस को ब्लैक कलर पसंद है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पैंट मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, ये देखिए पास से, ये इस तरह से, ये मैंने यहाँ पे एक सीढ़ी वाली लैस अटैच की है जिसके वजह से इसका बहुत ही फॉर्मल सा लुक स्टिच किया था। ये प्लेन कपड़ा लेके आई थी मैं। एक्चुअली इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे मिला था एक दुपट्टा, ये देखिए इतना प्यारा सा एक दुपट्टा है, इसका कलर लैवेंडर कलर सा, एकदम लाइट सा पर्पल कलर का है और इसमें ये सिल्वर के पाइपिंग लगे हुए हैं, ठीक है। और ये दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट है, इतना अच्छा लगता है ना दुपट्टा। इस दुपट्टे को मैंने रख दिया था, मैंने सोचा था इसके मैचिंग का अगर कपड़ा मिले तो मैं ले लूंगी,
फिर और ये दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट है, इतना अच्छा लगता है ना दुपट्टा। इस दुपट्टे को मैंने रख दिया था, मैंने सोचा था इसके मैचिंग का अगर कपड़ा मिले तो मैं ले लूंगी। फिर मिल गई, किस्मत से मतलब मिल गई वाला कलर। और मैं दुपट्टा लेके भी नहीं गई थी, ये मैंने सिंपल स्टिच किया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का लैस लगाया हुआ है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से गोल गला है और यहाँ पे थोड़ा सा वी है, वी टाइप, और मैंने इस तरह से लैस लगा दी है, ठीक है। और स्लीव्स में मैंने इस तरह से लेस लगाई है। बस ये सीक्वन वाला लेस है, ये मुझे पर मीटर 10 रुपया मीटर पड़ा था और मैं 4 मीटर लेके आई थी, तो मेरा इतना गला में बना और ये स्लीव्स में लगा। और फ्रंट में सिर्फ एक लाइन लगा है, बाकी अगर बचता तो मैं इसमें 2-3 लाइन और लगा देती, लेकिन जितना था मैंने उतना ही यूज कर लिया। बाकी मैंने चाक में यही वाला सेम कलर की पट्टी लगाई है। और शलवार मैंने इसकी जो पैंट है मैंने इसी के कपड़े का रखा है। 3 मीटर कपड़ा लाई थी और 3 मीटर में मेरा प्लाजो और यह कुर्ती बन गया। इसका प्लेन है, इसमें कोई डिजाइन नहीं दिया है मैंने, ठीक है। इसका कपड़ा इतना अच्छा है, इतना अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, गर्मी के लिहाज से मलमल कपड़ा है इसका। ये देखिए, ये मैंने शॉर्ट बनाया है क्योंकि इसका जो पैंट है वो मैंने बनाए हैं पटियाले, और पटियाले के लिए थोड़ा सा शॉर्ट नी लेंथ का ही कपड़ा अच्छा लगता है सूट देखने में। इस तरह से इसका जो ऊपर का, ये एक्चुअली बैक था, मैंने इसको फ्रंट में दे दिया और इसमें जॉइंट दिख रहे थे कलर्स है ना, उस कलर के मेरे पास धागे पड़े हुए थे, उसका मैंने बो टाइप बना दिया और बो के ऊपर व्हाइट व्हाइट मेरे पास पर्ल पड़े हुए थे, तो पर्ल इसमें लगा दिए एक एक करके। और स्लीव्स मैंने कुछ थोड़ा सा अलग डिजाइन बनाया है 70s के टाइप का, इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे कट है और ये लूप्स लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने लटकन टाइप बना दिया है, जो कपड़ा बचा हुआ था ना, ये फ्रंट वाले का कपड़ा जो बचा हुआ था, उस कपड़े से मैंने इस तरह से लटकन बना दिया है। ये 2 और ये 3 डोरियां डाली है, जिसमें हर डोरी में 1 2 3 4 5 5 इस तरह से कोण बने हुए हैं, ठीक है। और नीचे का बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट कुर्ती, थोड़े से पटियाले, थोड़े से पठानी टाइप है, पौछा पांचा कहते हैं ना, पांचा एकदम छोटा सा बनाया है, जिससे जब मैं पहनती हूँ ना तो ये इस तरह से फॉल आते हैं, इसमें एक फॉल आते हैं ऐसे करके, बहुत अच्छी लगती है, ऐसे गिरी हुई टाइप रहती है, ठीक है। मैं 2 साड़ियां भी लेके आई थी इस बार, मुझे प्लेन साड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं प्लेन ना ये प्योर के कपड़े लेके आई थी, प्योर शिफोन। ये देखिए प्योर शिफोन कपड़ा है, ठीक है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा दिमाग चेंज भी हो सकता है, इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही पहन लिए थे। इसके लिए मैं ब्लाउज का कपड़ा लेके आई थी ऑफ व्हाइट कलर का, इसका सेम कलर का मिला नहीं था, ऑफ व्हाइट कलर का मेरे पास था, तो मैंने इसको कराया है डाई, ठीक है जी। ये ऑफ व्हाइट कलर का था, ये मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है। ये देखिए इसका नेक मैंने वी रखा हुआ है और ये शॉर्ट है। ये देखिए बैक में भी वी है और फ्रंट भी वी है प्रिंसेस का। ये देखिए ये बहुत ही प्यारी सी लगती है। और तो आज की वीडियो यही तक ही थी, आज की मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। डिजाइनिंग जो मैंने कर रखी थी वो मैंने आपको दिखानी थी, बस इसी वजह से मैंने आज का व्लॉग ये बनाया है। तो कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लगी और डिजाइनिंग आपको अच्छी लगी या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे पास टेलर नहीं है, मैं खुद ही स्टिच करती हूँ आप लोगों को पता है, और टाइम लगता है घर के सारे काम वाम करके फिर ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर नए व्लॉग में इंशाल्लाह, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।